असिस्टेंट मैनेजर ठीक कह रहा था, ब्रांच मैनेजर ने भी फंसा के बोली हमारे बच्चों की मां। अब क्या हुआ? वही तो हम पूछ रहे हैं आपसे कि हुआ क्या है, आप तो बिना बताए चले गए। सब ठीक है सविता जी, हम मार्केट आए थे, सोचा सुबह ही सारा काम निपटा लो। तो क्या है कि दोपहर में भीड़ लगती है ना, त्योहार का समय है। अच्छा ठीक है, अभी अभी बिना विलंब किए जल्दी से घर आ जाइए तुरंत। बस आता हूँ। अभी तक प्रिंस जी आए कैसे नहीं? माँ ये मैं कहाँ रखूं? वहां रख दीजिए बेटा, मंदिर के पास। ठीक है। आ गए आप? और कहाँ जाते हम? अरे सब कहाँ गए हैं, देखो मैं क्या लेकर आया हूँ। क्या बात है, सबके लिए मिठाइयाँ। मेरे लिए भी? हाँ बिल्कुल। अरे वाह, फुगन की मिठाई। हाँ हाँ लो, ये हुई इमरती। हाँ, मेरे लिए? बिल्कुल। मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए। और पेठा आपके लिए, फेवरेट है ना? यस, थैंक यू। और ये पेड़े बहुओं के लिए, लो। थैंक यू। रुको रुको बेटे रुको। और ये कलाकंद विनोली के लिए। हाँ बेटे। और ये गुड़ की जिल्ली। रवि बेटे, आप हमारी पसंद कभी नहीं भूलते पापा। कैसे भूल सकता हूँ पापा जी। मेरे लिए? दामाद जी, आपके लिए तो खास लाया हूँ, ये रहा आपका रसमलाई। थैंक यू। आनंद छोटे। पापा अभी आया। हाँ देखो बेटे, मैं सबके लिए मिठाइयां लेकर आया हूँ। पर पापा आप मेरे लिए क्या लेकर आए? आप तो मीठा खाते नहीं पापा। ये गलत बात हुई। अरे आपका पसंदीदा लेकर आया हूँ बेटे, ये रहा नारियल के लड्डू, वो भी शुगर फ्री। हाँ ये हुई ना बात। थैंक यू पापा। ये तो चीटिंग है नानू। हाँ दादू, आप बड़ों के लिए मिठाई लाए और हमारे लिए कुछ नहीं। भाई ऐसा कभी हो सकता है कि मैं आप लोग के लिए कुछ ना लाऊं? हाँ लाया हूँ, चॉकलेट्स और फटाके। एक मिनट, आप हमारे साथ जरा आइए तो। आइए। क्या कर रही है सविता जी? बच्चे घर पर है। आप बनिए मत आइए। अरे आइए। हाँ हमें जरूरी बात करनी है आपसे, आइए। कुछ लेकिन विकिन नहीं, आप यहाँ खड़े रहिए शांति से। आप हमारी आंखों में आंखें डालकर कहिए, यहाँ देखिए हमारी आंखों में, और कहिए कि आप हमसे कुछ भी नहीं छिपा रहे हैं। क्या बताएं सविता जी, आज तक जो कुछ भी हमने कमाया ना, सब एक रात में ही लुट गया।
न कभी किसी को धोखा दिया, न कभी किसी को झूठ बोला, ईमानदारी से कमाता रहा। सब खाक हो गया सविता जी। क्या हुआ है? हाँ ब्रिजी, चलिए हमें बताइए क्या हुआ है। किसी और की लालच और गद्दारी का फंदा कहीं हमारे गले में ना पड़ जाए। किसकी? वो बैंक में जो घोटाला हुआ, कल सीबीआई ने ब्रांच मैनेजर के घर पे रेड की और ब्रांच मैनेजर फरार हो गया है। जैसी करनी वैसी भरनी। पर आप क्यों परेशान हो रहे हैं ब्रिजी? हाँ आप तो इस सब से कोसों दूर है ना, हमेशा मेहनत की कमाई घर लाए हैं आप। जानता हूं, पर कहीं सीबीआई हमारे घर में छापा मारने ना आ जाए। सविता जी, बहू और बच्चों के सामने हमारे घर में तलाशी होगी, कितना खराब लगेगा। ब्रिज जी आप बिल्कुल परेशान मत होइए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और हमें और बच्चों को आपकी ईमानदारी पर पूरा फक्र है। रही बात जांच की, तो हमें जांच करने में सहायता तो करनी ही होगी, फर्ज है हमारा, करेंगे ना हम। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, आज दिवाली है, आज कोई नहीं आएगा, आप क्यों ही चिंता कर रहे हैं। सुबह से हम परेशान हैं, पर सविता जी जब भी आप हमारा हाथ यूं थाम लेती हो, हमें अपना खोया हुआ हौसला दोबारा मिल जाता है। तो फिर सुबह क्यों नहीं बताया? चंचल बेटा। हाँ माँ। अरे वाह, आप दोनों तो बहुत सुंदर लग रही हैं। माँ थैंक यू। हमें अच्छा लगा कि आपको हमारी शॉपिंग पसंद आई। अच्छा हम क्या पूछ रहे थे कि वो पूजा में तेल का और घी का ऐसे दोनों दिए रख दिए हैं ना। हाँ चलो चलो जल्दी अंदर चलो। हाँ माँ। पीछे 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 बच्चे पीछे आ जाओ। देखिए यहाँ तो पूजा से पहले ही बच्चों की टोली पटाखे जलाने में खड़ी है। ये तो बच्चों की टोली के लीडर बन गए। सुनिए लीडर साहब, चलिए अंदर, पूजा का मुहूर्त चल जाएगा। पाँच मिनट बच्चे, चलो 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 आइए। माँ मिलाती हूँ सबको। हाँ, तैयारी भी तो करनी है बहुत सारी। अरे मिनोली बेटा, आप अभी तक तैयार नहीं हुई। आपको हमारी दी हुई साड़ी पसंद आई है ना, मतलब आप पूजा में वो साड़ी पहनेंगी ना। हाँ हाँ माँ, जरूर पहनेगी। इनफैक्ट मिनोली को तो वो साड़ी बहुत पसंद आई है। अच्छा, ये तो बहुत एक्साइटेड है उसे पहनने के लिए। पर वो क्या है ना, मैं और अनी रेडी हो रहे थे ना, इसलिए वो तैयार नहीं हो पाई। जाओ हम लोग रेडी हो गए, तुम भी रेडी हो जाओ, जल्दी से तैयार हो जाइए। मिनोली सिर्फ एक दो घंटे की तो बात है, एक बार पूजा हो जाए फिर चेंज कर लेना प्लीज। माँ बड़े प्यार से साड़ी लाई है, प्लीज उसे पहन लो। मिनोली मेरी बात सुनो। मिनोली बुआ,
हाँ बेटा, आपको एक बात बताऊं? हाँ बोलो। पापा लाइक मम्मी को दादी की साड़ी नहीं पसंद आई। ऐसी बातें नहीं करते। और वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सारे बच्चे बाहर पटाखे जला रहे हैं, वहाँ दादू भी है। जाओ जाओ। पर मम्मी डांटेगी। ये दादू का घर है, यहाँ किस बात का डर है? जाओ। नहीं, मैं पटाखे नहीं जलाऊंगा, मुझे पटाखों से बहुत डर लगता है। ओ मेरे बच्चों। कोई बात नहीं, अभी पूजा होने वाली है, जल्दी से आ जाना, ठीक है? ओके बुआ। जाओ। माँ सब आ गए हैं, पूजा शुरू करें। हाँ जल्दी से शुरू करो, आतिशबाजी बाकी है बच्चों के साथ, है ना बच्चों? और बच्चों उससे पहले सभी लोग एकदम मन से पूजा करेंगे, ठीक है? हाँ। चलो हाथ जोड़ो सब लोग। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा हरि ओम। कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजकेन्द्रारं सदा वसन्तं हृदयालविन्दं भवं भवान्सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावा। रोमि यज्ञं सकलं परस्मै नारायणायति समर्पयामि। अम्बे माता की जय। एक्सक्यूज मी, वी आर फ्रॉम सीबीआई। ये ब्रिज जी का घर है। जी हमारे पास आपकी घर की तलाशी का वारंट है। क्या बात कर रहे हैं आप इंस्पेक्टर साहब? कैसा वारंट? देखिए इनके बैंक में जो फ्रॉड हुआ है उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए ये रेड डाली गई है। अच्छा होगा आप हमें हमारा काम करने दें। हमारे पापा इनोसेंट हैं, ईमानदार हैं। वो कभी कोई गलत काम कर ही नहीं सकते। देखिए वो तो छानबीन के बाद देखेंगे। चंचल ऑफिसर, मैं एक आईएएस ऑफिसर हूँ, रवि कौशल। क्या आप मुझे रेड के पेपर्स दिखा सकते हैं? रवि हमें पता है पापा इनोसेंट हैं, हमें इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करनी चाहिए। ठीक है, आप हमारे घर की जांच करना चाहते हैं, जरूर कीजिए, पर इस समय हम दिवाली की पूजा कर रहे हैं और हमारी पूजा मुहूर्त में ही होगी। आप अपना काम कर सकते हैं, हम अपना काम करेंगे। चलो ये दिन दिखाने लेके आए थे मुझे। वैसे मानना पड़ेगा तुम्हारी माँ को, काफी बोल्ड है, काफी स्ट्रांग है मम्मी जी।
तकलीफ के लिए माफी चाहते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिस पर शक किया जा सके। इजाजत दें। रुकिए। आप ऐसे कैसे जा सकते हैं? चंचल? जी माँ। लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। दिवाली के दिन मुंह मीठा किए बगैर इस घर से कोई नहीं जा सकता। यही इस घर का रिवाज है। लीजिए। देखिए, आज पूरा देश दिवाली मना रहा है, पर आप काम कर रहे हैं। किसी भी मां को ऐसे बेटे पर गर्व ही होगा। देखिए, आज दिवाली नहीं होती तो मैं आपसे आग्रह नहीं करती। एक माँ समझकर मुंह मीठा कर लीजिए। आप माँ समान हैं, इसलिए आपको मना नहीं कर सकता। ब्रिज जी जैसे ईमानदार इंसान के खिलाफ कुछ भी सबूत मिलता ना, तो हमें सही में तकलीफ होती। थैंक्स फॉर द कोऑपरेशन। देखा बच्चों, ये है आपके पापा की कमाई, ईमानदारी और विश्वास। पर माँ, हम सब तो यही थे, फिर आपने हमें क्यों नहीं बताया? हाँ, कम से कम एक बार बताया तो होता पापा। नहीं बेटे, ये सब बातें बताकर हम आप सबकी दिवाली खराब नहीं करना चाहते थे। और फिर इतना प्यार करने वाले बच्चे जिनके हो, उन पर कभी मुसीबत आ सकती है? आ जाओ बच्चे। दिवाली की सारी सजावट बिगाड़ गए। और कोई दिन नहीं मिला था इन सीबीआई वालों को। आज के दिन ही धमाका करना था बस। पापा जी। हाँ। ये तो गलत बात है ना, माची फिर काम में जुड़ गई। दिवाली का मजा तो सबके साथ पटाखे जलाने में ना। सही कह रहे हो बेटे, लेकिन आपकी कभी चली है चंचल के सामने जो मेरी चलेगी सविता जी के सामने? हाँ? आप ही देख लो क्या बोलना है, देख लो। सही कहा पापा जी, चलिए नीचे चले। माँ जी नीचे चले। हाँ, थोड़ा ये ठीक कर ले पहले। सविता जी चलिए। अरे ये सब कब करेंगे? बाद में कर लेंगे, चलिए आप चलिए। पापा, हाँ सब ठीक? हाँ सब ठीक है। वाओ, सी इतनी सारी ज्वेलरी। वो माँ के गहने हैं भाभी। इतनी सारी ज्वेलरी देखने के बाद भी सीबीआई वालों ने कुछ रिएक्ट नहीं किया, कोई पूछताछ भी नहीं। स्ट्रेंज ना, क्योंकि उनके साथ हमेशा एक वैल्यूअर आते हैं भाऊ। एक नजर में ही पता चल जाता है कि ये असली है या नकली।
आप तो पटाखे फोड़ने जाने वाले थे ना, जाइए ना, यहाँ क्या कर रहे हैं, जाइए। बात को टालने की कोशिश मत कीजिए माँ, आपने तो कहा था कि ये गहने नानी ने आपको शादी में दिए हैं, तो फिर ये नकली कैसे हो सकते हैं? तब वो असली थे, अब नकली। Share, subscribe, and click on the bell icon to never miss an update from Ishaara.